ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। माननीय सभासदों, वीरों तथा प्रिय प्रजाजनों, आज आप लोगों ने मेरा राज्याभिषेक करके मुझे अपना महाराजा स्वीकार किया है। आपके इस विश्वास एवं अपार प्रेम के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे सिर पर रखे इस मुकुट में स्वर्ण और हीरे मोतियों की चमक के साथ साथ आप सबकी सुरक्षा, सुख शांति और इच्छा पालन तथा राज्य की उन्नति का दायित्व भी जुड़ा है। मैं आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि मान अभिमान और स्वार्थ से परे रहकर
व्यक्तिगत संबंधों की परवाह किए बिना मैं अपनी प्रजा की खुशी और हित का हर समय ध्यान रखूंगा और मन वचन कर्म से अपने राजधर्म का पालन करूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। Thank you.
रत्नों और गहनों से सजी देखकर मुझे वह दिन स्मरण हुआ आया जब मैं तुम्हें मिथिला से अयोध्या लेकर आया था। स्मरण है तुम्हें? क्या? हमारे जीवन की उस पहली रात में तुम्हारे माथे पर चमकते इस कुमकुम का साथ देने के लिए मैंने ये चंद्रकांत टीका लगाया था। और मैंने कहा था सूर्यवंशी राजकुमार होते हुए भी चंद्रकांत टीके को मेरे कुमकुम का साथी बनाकर आपने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। और स्मरण है तुमने ये भी कहा था इस टीके को अपने प्रेम का प्रतीक मानकर सदैव इसे अपने मंदिर में सजाए रखूंगी। हाँ स्वामी, ये बात मैं जन्म जन्मांतर स्मरण रखूंगी। महाराजा श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। कहो गुप्तचर बंधु, हो क्या समाचार लाए हो? महाराज, राज्य में हर कहीं सुख शांति और संतोष का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं अपनी प्रशंसा सुनना हमें पसंद नहीं। गुप्तचर राजा के आंख और कान होते हैं, इसलिए हमारी ये बात गांठ बांध लीजिए कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, हमें बताने में कभी संकोच नहीं करना। अभी भी तू वहां देख रही है? अरे मैं खड़ा यहाँ, तू देखे वहां, कौन है वहां? तेरा सरगवासी पिता श्री दी लांछन लगाता है मुझ पर। लांछन, लाज नहीं आती तुझे? अरे नाच पीटे इसलिए कहती है पीना छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। जिस दिन पी लेता है उस दिन ऐसी वैसी बातें करता रहता है। यदि तूने आज के बाद मेरी सौतन को गले लगाया तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। लच्छी, हे लच्छी, रुक जा लच्छी, लच्छी मेरी अच्छी लच्छी, सुन ले मेरी बात तू सच्ची। आज के बाद कभी गले नहीं लगाऊंगा तेरी सौतन की बच्ची की। सच? खा मेरी सौगन। बेटी सीते, इनको तो तुम जानती ही हो, ये हैं राजा राम के पिता और तुम्हारे ससुर चक्रवर्ती महाराजा दशरथ। ये प्रतिमा है महाराजा दशरथ के पिता और राघवेंद्र के पितामह महाराजा अज की। ये प्रतिमा है रघुकुल के प्रथम पुरुष परम प्रतापी महाराजा रघु की। और ये है रघुकुल के पूर्व पुरुष महाराजा दिलीप। चुकाने आई प्रणय के
से उत्पन्न वो चंद्रमा हो। कथा सुखद न्यारे सिया की व्यथा बहुत भारे। राम ने किए वही सब काम जिनसे राम बने हैं राम। राम की कथा सुखद न्यारे सिया की व्यथा बहुत भारे। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव, अत्यंत मनोहर। गुरुदेव, आपका काव्य इतना मधुर है कि मन नहीं भरता। मेरा काव्य मधुर नहीं है, बस श्री राम की कथा स्वयं इतनी मधुर है कि काव्य में रस भर देती है। हमारा मन नहीं चाहता गुरुदेव कि आप इस मधुर काव्य धारा को यहीं रोक दें। गुरुदेव सुनाइए ना, हम सब इसके आगे कथा सुनने को उत्सुक हैं। आगे की कथा। और फिर महामुनि ने उनसे कहा, ये तो शुभ समाचार है। सुना तुमने, जानकी जी माँ बनने वाली हैं। अच्छा? Oh,
राजमाता, यह देखकर हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारी बेटी की गोद भराई का आयोजन आपने बड़ी धूमधाम से किया। अपनी परंपरा के अनुसार मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कैसा निवेदन? हमारे यहाँ कन्या का प्रथम प्रसव उसके मायके में ही होने की परंपरा चली आई है। यदि आप सबको आपत्ति न हो तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपनी कन्या को मिथिला ले जाना चाहते हैं। अच्छा हो यदि आप अपने जामाता से ही इस संबंध में पूछ लें। आर्य पुत्र, आप तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। पूज्य ससुर जी, इतने समय बाद आप हमारे यहाँ पधारे, आपकी इच्छा को शिरोधार्य करना हमारा धर्म है। हम प्रसन्न हुए। अब हम प्रयाण का मुहूर्त निश्चित करवा लेते हैं। पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी, क्या बात है? पिताश्री, आपके मन में मेरे लिए कितना वात्सल्य है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैंने अपने पति के साथ वनवास की दुविधाओं को भी सुविधाएं समझकर स्वीकार किया था। मैं इनके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती, और अब मैं इनके कुलदीपक की मां बनने वाली हूँ। ये इसलिए मैं आप अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मेरी इस विवशता के लिए मुझे क्षमा करें पिताश्री। नहीं पुत्री, इस प्रकार परंपराएं तोड़ना उचित नहीं। राजमाता, मेरी कन्या की बात को आप अनुचित ना समझें। मुझे भी लगता है कि अवधपति श्री राम के समीप रहने में ही मेरी कन्या का कल्याण है। देवी, क्या इतनी तन्मय हो गई इस निर्जीव चित्र में? आर्यपुत्र, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा मचल रही है। सीता, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब तुम मां बनने वाली हो। गर्भवती स्त्री की इच्छा को टालना संसार के किसी भी पुरुष के लिए उचित नहीं है। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, मन करता है एक बार फिर वन्यश्री में जाकर रहूं और उसी में खो जाऊं। सीता, हमने पूरे 14 वर्ष वन में बिताए हैं, और अब तुम फिर से? हाँ प्रभु, तपोवन में जाकर मैं तपस्वियों और ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम उन्हें यहीं आमंत्रित कर लेते हैं। नहीं प्रभु, कुआ प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। उन्हें यहां बुलाना उचित नहीं, हमें ही वहां जाना चाहिए। क्या आर्यपुत्र मेरी इच्छा से प्रसन्न नहीं है? नहीं, सीता की इच्छा को नहीं कहना, राम के वश में नहीं है। अरे पचकोड़ी, ये तेज तीखी लाल लाल मिर्चियां खाके लाल लाल क्यों हो रहा है? आंखों में गुस्से की लाली लाने के लिए और मुंह से गालियां निकालने के लिए। पर भैया, ऐसी मिर्च मसाले वाली गुस्सा अच्छी नहीं। जो भी हो, लच्छी है तो तेरी पत्नी। नहीं है वो मेरी पत्नी, पूरी की पूरी पिशाचनी है, भूतनी है, प्रेतात्मा है। देखो कैसी भोली मैना बनकर आ रही है। अरे भैया जाने दो, भैया रुक जाओ, जाने दो भैया। अरे इतनी रात गए, तू कहां से आ रही है? मायके से। मायके से? भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया। हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं पुत्ता बना दूंगा। छोड़ दो। गई थी तू, बोल बोल
बोल। अरे रुक जा, बेचारी बाप के घर से आ रही है, क्यों मार रहा है? अरे ना ये अपने बाप के घर से आ रही है, ना ये अपने चाचा के घर से आ रही है, ये अपने प्यारे के घर से आ रही है। इसका बाप इसे यहाँ ढूंढता हुआ आया था। वो इधर आया, मैं उधर गई। अरे एक तो चोरी, ऊपर से मुंह चोरी। अरे कुलक्षणी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे पचकौड़ी, गुस्सा छोड़। तुम चुप रहो जी। हम मक्खी की भांति इस मिश्री की डल्ली से चिपके रहे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हम तोरे पति नहीं और तुम हमनी पति नहीं। निकल जा, चली जा यहां से, चली जा। अरे अरे अरे, ऐसा कैसे चली जाएगी? अपनी पत्नी स्वीकार करके लाया तू मेरी बेटी को। अब ये आड़ी टेढ़ी बातें छोड़ और एक भले मानस जैसा मेरी बेटी से निभा ले, नहीं तो मैं न्याय मांगने रामचंद्र जी के पास अवश्य जाऊंगी। अरे जाइए सासू जी, अवश्य जाइए, और साथ में ससुर जी को भी लेकर जाइए। हम डरते नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो भोले हैं, जो रावण की लंका में एक साल रहने के बाद भी अपनी सीता देवी का स्वीकार किए हैं। क्या वे यही चाहेंगे कि राज्य का हर आदमी वैसा ही करे जैसा उन्होंने किया है? हे भगवान, अरे पुरखों की मान मर्यादा का तनिक भी उन्हें ख्याल होता तो आज सीता देवी उनके महल में नहीं होती। पचकोड़ी! अरे मूरख, सुरा पीकर श्री रामचंद्र जी पर कीचड़ उछाल रहा है। यदि उनके कानों तक ये बात पहुंच गई, वो तेरी जीवा काट लेंगे। जीवा? अरे किस किस की जीवा काटेंगे वो? आज मैं बोल रहा हूँ, कल सारा संसार बोलेगा। तो क्या ये सारे संसार की जीवा काट लेंगे वो? अरे रामचंद्र जी तो बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके साथ जीने से तो मर जाना अच्छा है। ले जाओ इसे, निकलो, निकलो यहाँ से। इतनी कठोर बात मैं प्रभु से कैसे कहूंगा, किंतु किंतु उनकी आज्ञा है, कहना तो पड़ेगा ही। क्या सीता पर लांछन? हाँ प्रभु, अपनी पत्नी पर संदेह करके वो उसे घर से निकाल रहा था। लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं जिसने साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी सीता को अंगीकार कर लिया था। दुर्मुख, क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना? हाँ प्रभु, और अपनी आंखों से देखा भी है। मैंने ही नहीं, वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने भी। राजमुकुट हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। रुक जाओ राम, इस प्रकार सिर से ये मुकुट उतार कर तुम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। रघुकुल के आदि देवता भगवान सूर्य देव के समक्ष कुलगुरु वशिष्ठ ने यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें इस साम्राज्य का महाराजा बनाया है। रिश्ते नातों की परवाह किए बिना प्रजा की इच्छा पूरी करने और उसके सुख दुख का ध्यान रखने के अभिप्राय से विमुख नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये राज, ये प्रजा, ये शासन, ये महल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीता चाहिए, केवल सीता। विचलित मत हो राम, आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें सीता को अपने से दूर करना ही होगा। मेरी सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी है, वो निष्कलंक है, निर्दोष है। उसका परित्याग करके मैं उसकी कोमल भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता। रघुवंश की परंपरा को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए तुम्हें अपने स्नेह का बलिदान करना होगा। सूर्यवंश की दीप शिखा
आप सबके शौर्य कर्मों के तेज से ही प्रज्वलित है। आपके वंश का एक अकिंचन सा दीपक होने के नाते मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या मैं केवल एक महाराजा हूँ? क्या मुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं। किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि अभिमान और स्वार्थ की दीवार गिराकर तुमने निस्वार्थ भावना से राजधर्म के पालन का वचन दिया है, और आज अपने ही दिए हुए वचन को, खाई हुई सौगंध को, उठाई हुई शपथ को ठोकर मारकर अपने सिर से ये मुकुट उतार देना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य एक वृक्ष के समान होता है, राजा उस वृक्ष का मूल होता है, प्रजा जन उस वृक्ष के पुष्प है। प्रजा का पालन करना राजा का पहला धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, मुझे मेरी सीता चाहिए, मुझे मेरी सीता चाहिए। सीता, सीता, सीता। क्या हुआ भैया, क्या कोई बुरा स्वप्न देख लिया? नहीं लक्ष्मण, स्वप्न नहीं, मेरी इन जागती आंखों ने सीता के साथ होने जा रही एक सच्चाई देखी है। यह मुकुट, यह सिंहासन मुझसे मेरी सीता को छीन रहा है, मेरी सीता को मुझसे छीन रहा है। भैया, यह सिंहासन आपका है, भाभी यहाँ की राजरानी है, आप यहाँ के महाराजा हैं। महाराजा होने के कारण ही मुझे अपनी सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है। माता सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है, किंतु क्यों भैया? क्योंकि हमारे राज्य के एक नागरिक ने अपनी पत्नी पर संदेह करके उसे घर से निकालते हुए यह कहा कि वो राजा राम नहीं, जो साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी अपनी पत्नी सीता को अंगीकार कर चुका है। कौन है वो धर्मी जिसने भाभी माता पर कलंक लगाने की चेष्टा की है? बताइए भैया, कौन है वो पापी? कौन है वो जिसने रघुवंश की प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का दुस्साहस किया है? मैं उस नीच की चूहा काट कर फेंक दूंगा। नहीं लक्ष्मण, प्रजा की वाणी को क्रोध की कृपाण से दबाने की आज्ञा सूर्यवंश की परंपरा नहीं देती। और सीता मैया जैसी पवित्र पावन नारी शिरोमणि, जिसे स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव एवं समस्त देवताओं ने सती, साध्वी और पतिव्रता कहा, उसे आपको अपने से अलग करने की आज्ञा देती है? कैसी है ये वंश परंपरा? और भैया, आप ये क्यों भूलते हैं, स्वयं आपने भाभी की अग्नि परीक्षा ली है। किंतु सीता की वो अग्नि परीक्षा तुमने देखी है, मैंने देखी है, वहां उपस्थित वानर सेना ने देखी है, अयोध्या की प्रजा ने तो नहीं देखी। भैया, भाभी को अपने से दूर करके क्या आप सुख से रह पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। मैं सीता के बिना पल भर के लिए भी सुख का स्वप्न नहीं देख सकता, और मैं जानता हूं सीता भी मेरे बिना चैन से नहीं रह सकती। एक और सीता और उसका स्नेह है, तो दूसरी और ये राज सिंहासन और मेरा राजधर्म। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं। ईश्वर करे कभी किसी शत्रु को भी जीवन में ऐसी विकट समस्या का सामना न करना पड़े। यदि तुम तीनों ये नहीं चाहते कि मैं सीता का परित्याग करूं, यदि तुम तीनों को सीता का और मेरा बिछो पसंद नहीं, तो तुम तीनों में से कोई भी इस राज सिंहासन पर बैठ जाए, यहां का राजा बन जाए, और मुझे राजधर्म के इन जटिल बंधनों से मुक्त कर दे। लक्ष्मण, तुम ले लो मुझसे ये राज सिंहासन। नहीं, नहीं भैया, नहीं। भरत, तुम ले लो मुझसे ये राजमुकुट। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा भैया। शत्रुघ्न, तुम संभाल लो राज्य की इस बागडोर को। भैया, आप चाहे तो आपके लिए हम अपनी आकांक्षाओं और अपने अधिकारों की बलि चढ़ा दें। आप कहें तो हम इसी समय अपने सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दें। किंतु इस सिंहासन पर बैठने की बात ना हम सोच सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। हाँ भैया, हमारी इस विवशता के लिए हमें क्षमा करें। क्षमा करें भैया, क्षमा करें। तो फिर मैं भी विवश हूं, मेरे सामने भी सीता को वन में भेजने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। और लक्ष्मण, यह कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। भैया। हाँ लक्ष्मण, और उस भागिन को अंत तक यह मत बताना कि मैंने उसका परित्याग किया है। क्षमा करें भैया, आपका इतना कठोर आदेश पालन करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। सीता भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का साहस मैं कहां से लाऊं?
क्यों? अभी तो तुमने कहा था अतिरिक्त इस सिंहासन को अपनाने के। तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे? यही ये किस दुविधा में फंस गया मैं भैया। एक ओर आपका आदेश है और दूसरी ओर मेरी सीता भाभी का स्नेह। हे भगवान मैं क्या करूं मैं? ये मेरे पिछले जन्मों के पाप हैं या मेरा कोई दुर्भाग्य? नहीं लक्ष्मण नहीं, दुर्भाग्यग्रस्त तो अभागिनी सीता है। माता? हम केवल माता ही नहीं राघव, राज माता भी हैं। और सीता तुम्हारी पत्नी ही नहीं, इस घराने की बहू भी है। और हम सीता को बहू से कहीं अधिक अपनी पुत्री मानती हैं। और उसी के प्रति इतना कठोर निर्णय लेने से पहले तुमने हमसे एक बार भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। माँ, इसे मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। फिर भी ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं कि आपके सूर्यवंश की मान मर्यादा को कलंकित होने से बचाने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर जब सूर्यवंश की कथा लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि वंश की मर्यादा बचाने के लिए एक नारी, वो भी गर्भवती, कुल के दीपक की माँ बनने वाली नारी को अबला बनाकर सूर्यवंशी महाराजा ने वन में ठोकरे खाने के लिए भेज दिया। माँ, मेरे इस कठोर निर्णय का बाण स्वयं मेरे हृदय को भेद गया। वो गर्भवती कोई और नहीं, मेरी धर्म पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है, मेरी सीता है। वो मेरे जीवन का एक अंग है, वो मेरे रोम रोम में बसी है। माँ, उसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं। तो फिर क्यों परित्याग कर रहा है उसका? मैं क्या करूं माँ, मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। एक हाथ प्रजा को दिए हुए वचन की डोर से तो दूसरा हाथ राजधर्म की निर्वाह की सौगंध से। मैंने आपके इन तीनों पुत्रों से कहा कि मुझे इस राजसिंहासन से मुक्त कर दें, परंतु इन्होंने मेरी विनती, मेरे आदेश को ठुकरा दिया। आप माँ हैं, यदि आप चाहती हैं कि सीता के साथ अनर्थ ना हो तो समझाइए इन्हें, पूछिए इनसे ये मेरी बात क्यों नहीं मानते। क्या मेरे लिए इनका प्रेम, इनकी भक्ति इन्हें ऐसा करने से रोक रही है, या फिर इन्हें इस बात का भय है कि भविष्य में कहीं इन्हें भी किसी ऐसी समस्या, ऐसी सच्चाई का सामना ना करना पड़ जाए। पूछिए इनसे माँ, पूछिए इनसे। मैं जानता हूं तुम में से कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। इस संसार में केवल एक ही आत्मा है जिसने सदा सर्वदा खुशी खुशी मेरे हर आदेश का पालन किया है। वो आत्मा कोई और नहीं, सीता है, मेरी सीता। दुर्भाग्य से उस बेचारी ने मेरी पत्नी बनने का पाप किया है, इसलिए आज मैं अपने साम्राज्य की चौखट पर उसके सुख चैन की बलि चढ़ाने जा रहा हूं। नहीं राघव, इतने कठोर मत बनो। आपका कोमल हृदय राम मर चुका है माँ। इस राम के सिर पर रखे मुकुट के चमकते पत्थरों ने इसे भी पत्थर बना दिया है, इसीलिए आज ये अपने पत्थर मन से आदेश देता है, जाओ लक्ष्मण, उस अभागिन को वन में छोड़ाओ। ये विधि की देखो कैसी विडंबना, ये विधि की देखो कैसी विडंबना। ना जाने जानकी को क्यों इसके लिए चुना, ये विधि
है बड़ा घना, ये विधि की देखो कैसे विडंबना, ये विधि की देखो कैसे विडंबना। जाओ लक्ष्मण, देखो लक्ष्मण कितना मनोरम स्थल है। मेरी मनोकामना पूरी करके मेरे प्रभु ने समस्त भूलोक के वरदान मेरे आंचल में डाल दिए। जी करता है कि जीवन भर मैं यही रह जाऊं। भाभी ऐसा ना कहो, ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण, रुक क्यों गए, कहो क्या कहना चाहते थे। कैसे कहूं भाभी, आपका वरदानों से भरा आंचल अभिशापित हो गया है। क्या अभिशापित, मेरा आंचल? लक्ष्मण आज तुम इतने विचलित क्यों हो? क्योंकि जिस सच्चाई को मैं जानता हूं वो इतनी विषैली है कि यदि मैं अपने हृदय पर पत्थर रखकर कह भी गया तो आप उसे सुन नहीं पाएंगी। कहो लक्ष्मण, मैं सुन लूंगी। कैसे कहूं भाभी, कैसे कहूं कि भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण लक्ष्मण, तुमने ठीक से तो सुना है ना? हाँ भाभी। किंतु उन्होंने मेरा परित्याग क्यों किया? क्योंकि एक नागरिक ने उन पर यह आरोप लगाया है कि रावण के यहां रहने के बाद भी आपको पवित्र मानकर उन्होंने उन्होंने आपको स्वीकार करने की भूल की है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए संदेह है। नहीं भाभी नहीं, मैं अपने भैया के मन को अच्छी तरह जानता हूं। उनके मन में आपके प्रति संदेह न तब था न अब है। उन्होंने तो केवल अपने राजधर्म का पालन किया है। वे इतने निर्दय कैसे हो गए कि अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग करने से उनके वंश की कीर्ति कलंकित नहीं होगी? यदि वे रघुवंशी साम्राज्य के महाराज हैं तो मैं भी उसे राज की राजरानी हूं। कुल की मर्यादा को कलंकित होने से बचाना केवल उनका ही नहीं मेरा भी कर्तव्य है।
इस संबंध में मैं क्या कहूं भाभी, आप तो स्वयं धर्म स्वरूपिणी हैं। धर्म स्वरूप है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम, धर्म स्वरूप है रघुकुल के पूर्वज, वे धर्मात्मा है, वे धर्म के रक्षक है। मैं तो कलंकनी हूँ, न मेरे पास धर्म है न धर्म की मर्यादा। भाभी लक्ष्मण, वनवास उन्हें हुआ था मुझे नहीं, फिर भी मैं उनके साथ गई, पग पग पर कष्ट झेले। रावण ने मेरा हरण किया था, इसलिए तुम्हारे भैया ने मेरी अग्नि परीक्षा ली, मैंने बुरा नहीं माना। इस अवस्था में मुझे फिर से वन में भेज दिया, इसका भी मुझे दुख नहीं। दुख है तो इस बात का कि उन्होंने मुझे पराई समझा, मुझ पर अपना विश्वास खो दिया। अपने मन की छोटी से छोटी बात मुझे बताने वाले मेरे प्रभु ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए। तुम सबको बताए, अगर पत्नी पर से पति का विश्वास उठ जाए तो उसके जीने का क्या लाभ है, क्या लाभ है। रुक जाइए भाभी, रुक जाइए, आपको मेरी सौगंध है। नहीं लक्ष्मी नहीं, मुझे मत रखो। भाभी, भाभी, आपके साथ घोर अन्याय हुआ है ये सत्य है, फिर भी आपको अपने जीवन के साथ किसी और की हत्या करने का क्या अधिकार है। आप अकेली इस वन में नहीं आई हैं, रघुवंश का भावी उत्तराधिकारी भी अपने साथ लाई है। भावी उत्तराधिकारी लक्ष्मण, वन में भटकती ऐसी अभागन से यदि किसी ने पूछ लिया कि ऐसी अवस्था में तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारा त्याग क्यों कर दिया, तो मैं क्या उत्तर दूंगी, क्या उत्तर दूंगी। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको जीवित रहना है। आपको पता है भाभी, भैया के मन में आपके लिए कितना स्नेह है, और ये आप भी जानती हैं कि आप इस संसार में नहीं हैं। ये सुनते ही भैया पल भर में अपने प्राण त्याग देंगे। जानते हो, किंतु आज उन्होंने मेरे साथ जो इतना बड़ा छल कपट किया है उससे मैं अपना संभल खो बैठी, और आवेश में न जाने मैंने उन्हें क्या क्या कह दिया। लक्ष्मण, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांग लेना और मेरा अंतिम संदेश दे देना कि मैं स्वप्न में भी रघुकुल की मर्यादा को कलंकित नहीं होने दूंगी। भाभी, भाभी आपसे मुझे सदा ही पुत्र जैसा स्नेह मिला है। आपके चरणों को छूकर मैं हर दिन प्रातः आपसे आशीर्वाद लिया करता था, अब ये पावन चरण मुझे कहां मिलेंगे। ईश्वर कहे, ईश्वर करे इन चरणों में ये मेरा अंतिम प्रणाम ना हो। मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना भाभी, मुझे क्षमा कर देना। लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, कुलदीपक के जन्म के अवसर पर महल के दास दासियों को न जाने क्या क्या उपहार देने के लिए सोचा था मैंने, परंतु अब उस अवसर पर जाने कहां रहूंगी मैं। अब मेरे पास इन आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। Thank you.
भी अपधन्य है। भैया ने तो मांगने पर भरत को अपनी पादुकाएं दी थी, आपने तो जानकर ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं निहाल हो गया भाभी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। मत करो पुत्री, तेरा दुख देखकर मेरा तन मन अपने वश में न रहा, किंतु पुत्री मैंने तुझे कहां दुख दिया है? मां, मैं नरक से भी बड़ी यातनाएं सह सकती हूं, किंतु मेरे प्रभु को तनिक भी कष्ट हो ये नहीं सह सकती। राम, अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भिजवाने वाला राम कठोर है, निर्दयी है, फिर भी तू उसके लिए मेरे प्रभु, मेरे राम कह के रोती है। पुत्री हो तुम्हारी, जो जी में आए कह लो, किंतु मेरे प्रभु श्री राम को दोष दोगी ये नहीं सह सकती। राम से तेरा विवाह हुआ, किंतु उसने तुझे क्या दिया? 14 वर्ष का वनवास, विरह वेदना, अग्नि परीक्षा, और अब जब महलों का सुख भोगने का समय आया तो फिर वनवास दे दिया। क्या कहूं ऐसे राम को? नहीं मां, नहीं, राम के नाम से मेरी सासों की डोर बंधी है, उनके लिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सीता, जाने दो मां, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी कुछ नहीं सुनोगे। अच्छी बात है, किंतु पुत्री इस दशा में तू वन्य जीवन के कष्ट नहीं सह पाएगी, चल मेरे साथ चल। मां की ममता, मां के आंचल की छाव और मां की गोद से बड़ा सुख संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता, फिर भी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती मां। क्यों पुत्री? माथे पर कलंक टीका लेकर कैसे चलूं मां? तुम्हारी कोख से जन्म लेकर प्रभु श्री रामचंद्र का हाथ था, मैंने रघुवंश में पदार्पण किया, इसलिए उन्हें उनका प्रतिबिंब सौंपने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ मां। पुत्री को जन्म देने पर यही कष्ट होता है, मां हूं ना, इसलिए रो रही हूं। अब तेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही तो भोगना होगा मां। पुत्री, मां, मां।
तुम कौन हो देवी और अकेली इस निर्जन वन में क्या करने आई हो? आपके प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं मुनिवर? दुर्भाग्य ले आया और मैं आ गई। ओ, तुम तो राजरानी सीता हो, मैं वाल्मीकि हूँ, सीता और राम के चरित्र को रामायण के रूप में रचने वाला। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता था ऐसा ही होगा, किंतु इतने जल्दी होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। तुम्हारे दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया देवी। आओ मेरे साथ आश्रम चलो। नहीं, मैं कलंक नहीं हूं मुनिवर, मेरे साथ चलने से आपका आश्रम अपवित्र हो जाएगा। नहीं देवी, तुम कलंकनी नहीं, तुम तो आदिशक्ति हो, जगत माता हो, साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी महिमा मुझे ज्ञात है, निरंतर राम नाम के कीर्तन से गुंजाए मान मेरे आश्रम को अपने पावन चरणों से पवित्र करो देवी। आओ मुनिवर, विपत्ति के इस समय में आप मेरे लिए देवता जैसे प्रकट हुए हैं, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। किंतु रुक क्यों गई देवी, कहो क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरे नाम का किसी को पता न चले। तुम तो सहस्त्रों नामों से पूजी जाने वाली लोकमाता हो, तुम्हें नाम की क्या कमी? लोक पावनी के नाम से मेरे आश्रम में रहना। आओ देवी, आओ। गुरुदेव आ गए। हाँ, आ गए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सरस्वती जी। गुरुदेव। विद्या जी। गुरुदेव, ये लोक पावनी देवी हैं, इनके पदार्पण से हमारा आश्रम धन्य हो गया, अब ये यहीं रहेंगी। तुम सब इनकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहोगी। जी गुरुदेव। ले जाओ इन्हें। अच्छा गुरुदेव। जाओ बेटी। गुरुदेव, गुरुदेव, लोक पावनी देवी ने दो शिशुओं को जन्म दिया है। अच्छा, मन आनंदित हो गया। प्रणाम। पधारिए गुरुदेव। देखिए ना गुरुदेव, दोनों ही देव कुमारों जैसे लगते हैं। गुरुदेव, आप इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्री, इनका नामकरण तो विधाता बहुत पहले कर चुके हैं। तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है लव और बड़े का कुश। लव और कुश? हाँ पुत्री, लव और कुश दोनों ही अपने पिता की भांति परम वीर और कल्याणकारी होंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 10 वर्ष बीत गए जिस दिन से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आया है। उस दिन से आज तक मेरे राम के मुख पर मुस्कान नहीं आई। कितना सुंदर उपहास है। प्रजा की इच्छा पूर्ति और उसके सुख के लिए भैया ने भाभी का त्याग किया, किंतु परिणाम? परिणाम क्या हुआ? प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और भैया, भैया का एक एक पल भाभी की स्मृति में बीतता है। अब तो ऐसा लगने लगा है राजपाट त्याग कर जीवन भर के लिए भैया ने वैराग्य ले लिया है। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। पालन करने अपने
सारे पत्नी सहित वनवास सिधारे। पत्नी सहित वनवास सिधारे धर्म अवतारे श्री रामचंद्र प्रभु जी। जय जय रामचंद्र प्रभु जी। और शब्दों के संगम के साथ तुम दोनों के सुमधुर स्वर में पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता है। बहुत अच्छा गाने लगे हो तुम दोनों, मन आनंदित हो गया है। सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। हमने अपने जीवन भर की तपस्या का फल तुम लोगों को क्यों दिया है जानते हो? हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा जीवन सफल होगा। हाँ, जाओ
तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम। माँ, माँ। अच्छा नहीं गाया? हमसे कुछ अपराध हुआ है माँ? हमारे किसी कार्य से तुम्हारे मन को चोट पहुँची है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है माँ? बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या चिंता है माँ? जो पुत्र अपनी माँ की चिंता दूर न कर सके उसका जीवन व्यर्थ है। बोलो माँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे चरणों में स्वर्ण का अंबार लगा दें। तुम दोनों मेरे लिए किसी भी स्वर्ग के अंबार से बढ़कर हो, पुत्रों मेरी संपदा हो। तुम्हारे तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम दोनों के मुख से रामायण का मधुर गायन सुनकर मेरा हृदय भर आया और खुशी से आंखें भर आई। क्या खुशी में भी आंखें भर आती है माँ? हाँ, यदि खुशी खुशी जैसी हो। माँ, सीता राम जैसी दंपत्ति समस्त भूलोक में आज तक नहीं हुई, संभवतः होगी भी नहीं। इसलिए सीता के वियोग का दुख राघवेंद्र को जीवन भर रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राम के दुख का भी निवारण हो जाए और प्रजा भी सुखी हो जाए? एक उपाय है। कौन सा मुनिवर? अश्वमेध यज्ञ। इससे राघवेंद्र का दुख तो दूर होगा ही, उन्हें यश भी प्राप्त होगा और प्रजा के सिर पर मंडराते संकट के बादल भी छट जाएंगे। किंतु गुरुवर, क्या भैया इसके लिए तैयार होंगे? अवश्य होंगे। श्री राम की प्रजा बहुत दुखी है। मेरी प्रजा दुखी हो गई? हाँ राघव, और ऐसे अवसर पर प्रजा की सुख शांति के लिए हमारे पूर्वजों ने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा डाली है। नहीं माँ, मेरी तुलना उनसे मत करो। वे पुण्य आत्मा थे, महान थे। मैं पुण्य आत्मा नहीं, मैं पापी हूँ। यज्ञ का अनुष्ठान मेरे लिए साध्य नहीं है। भैया, आप अजय हैं। बुद्धि, शौर्य, शक्ति, किसी भी बात की आप में कमी नहीं। और फिर आपके तीनों भाई आपके साथ हैं, जो हर प्रकार से समर्थ हैं। फिर ये यज्ञ साध्य क्यों नहीं है? तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण, बिना पत्नी के मुझे यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए पत्नियों की क्या कमी है भैया? तुमसे विवाह करने के लिए अनगिनत राजकुमारियां पड़ी हैं। शांता दीदी, अपने भैया को भली भांति जानते हुए भी आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। बुरा ना मानना भैया, यदि तुम यज्ञ नहीं करोगे तो प्रजा के दुख कैसे दूर होंगे? तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। दीदी, सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता बरसाना छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा भैया राम, आप सबका प्रिय राम, अपना एक पत्नी व्रत कभी भंग नहीं कर सकता। मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। नहीं नहीं, तू पूछ। तुम पूछो ना। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। कितनी रात हो गई, सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? माँ, प्रतिदिन गुरुदेव से रामायण सुनकर और प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारी अथाह भक्ति देखकर हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है माँ। मन करता है पंख लगाकर उड़े और पल भर में अयोध्या पहुँच जाए। और माँ, पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करके जुग जुग से प्यासे इन नैनों की प्यास बुझा ले। हाँ माँ, और उन्हें रामायण गाकर सुनाए, उनसे आशीर्वाद ले और अपना जीवन धन्य कर ले। मेरे बेटो,
तुम दोनों के जीवन में ऐसा अवसर आए, ये मेरे हृदय की सबसे बड़ी कामना है। तो फिर तुम हमें अयोध्या जाने की आज्ञा क्यों नहीं देती माँ? ये आज्ञा तुम्हें गुरुदेव से ही लेनी पड़ेगी। ऐसी बात है तो हम कल सुबह ही गुरुदेव से आज्ञा मांग लेते हैं। अवश्य मांगो, मेरा मन कहता है वे तुम्हें निराश नहीं करेंगी, किंतु उचित समय आने पर वे स्वयं ही आज्ञा देंगे। रामायण धर्म और अधर्म के अंतर को प्रतिपादक करती है, अर्थात निर्धारित करती है, और संपूर्ण मानव जाति को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के साथ ही मानव को दानवी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने से रोकती है, अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का आचरण करने की शिक्षा देती है। हाँ, जानते हो क्यों? क्यों गुरुदेव? क्योंकि रामायण के समस्त पात्र आदरणीय हैं, वे मानवता के वट वृक्ष की स्वर्णिम शाखाओं के समान हैं। इसलिए रामायण मानवता के लिए शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है। जब तक संसार में धरती, आकाश, चांद और सूरज रहेंगे, तब तक रामायण भी तेजोमय बनी रहेगी। तुम दोनों अयोध्या जा रहे हो, हमें विश्वास है कि तुम अपने मधुर स्वरों में रामायण को गा गा कर जन जन तक पहुंचाओगे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे गुरुदेव। हम जानते हैं ये दिव्यास्त्र है, जैसे तुम रामायण के गायन में पारंगत हो, वैसे ही अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग में भी। फिर ये दिव्यास्त्र क्यों गुरुदेव? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम दोनों पहली बार तपोवन से बाहर जा रहे हो, ये अस्त्र शत्रु को मारता नहीं, केवल उसे सम्मोहित करके परास्त कर देता है। इसे हर समय अपने पास रखना। जी गुरुदेव। और हाँ पुत्रो, एक बात स्मरण रखना, इस अस्त्र का प्रयोग कमजोर और साधारण मनुष्यों पर नहीं करना, और हाँ यदि वीरों से सामना हो जाए और बहुत ही अनिवार्य लगे तो इसका प्रयोग करने से नहीं चूकना। हम अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुदेव। माँ, गुरुदेव ने अयोध्या जाने का आदेश दे दिया है, क्यों तुम प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम्हें हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है? पसंद नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। फिर तुम इस प्रकार उदास और चिंतित क्यों हो? केवल इसलिए कि तुम लोग सार्वजनिक गायकों की तरह वहाँ जा रही हो, रघुकुल के विशेष निमंत्रण पर नहीं। तो क्या हुआ, हम तुम जैसी वीर माता के पुत्र हैं, हमें भय किस बात का? माँ, ये नहीं समझना, हमें वीणा के सुरों पर केवल रामायण गाना ही आता है। समय आने पर हम अपने धनुष की टंकार से तीनों लोगों को हिला सकते हैं। यही तो है मेरी चिंता, यही है मेरी व्यथा। जब से गुरुदेव ने तुम्हें अयोध्या जाने के लिए आदेश दिया है, तब से मेरे मन को यही भय सता रहा है कि तुम दोनों वहां जाकर कुछ करना बैठो। माँ, तुम्हारी पुनित गोद में पलकर हमारी आयु बढ़ी है, गुरुवर से हमें अपार ज्ञान मिला है, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर और हमें आशीर्वाद देकर भेजो माँ। हाँ माँ, जाने कब से हमारी आंखें प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आतुर हैं। दर्शन करो पुत्रो, चाहो तो अपनी आंखों पर मेरी आंखें भी लगाकर प्रभु को जी भर कर देख कर आओ। वे दर्शनीय ही नहीं, पूजनीय भी है।
दशरथ उनकी थी रानिया तीन। कुल धनगर के राजा दशरथ उनकी थी रानिया तीन। कौशल्या सुमित्रा कई कई उनकी थी संतान चार। उनकी थी संतान चार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राजकुमार थे ये चारों। रामायण की कथा सुनो, रामायण की कथा सुनो। मिथिला वासियों के मन में बस गई छवि वो अति न्यारी। स्मरण है उस दिन तुमने सीता के बिना यज्ञ करने से मना कर दिया था? जी। आज हम तुम्हें यही बताने के लिए आए हैं कि सीता के बिना भी तुम यज्ञ कर सकते हो। सीता के बिना कैसे? हमने गहन चिंतन, मनन और अध्ययन के बाद एक उपाय ढूंढा है। कौन सा उपाय? सीता की स्वर्ण प्रतिमा। हाँ, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ के अनुष्ठान के लिए पत्नी की अनुपस्थिति को उसकी स्वर्ण प्रतिमा से पूर्ण किया जा सकता है। सीता के स्थान पर सीता की इस प्रतिमा को अपने साथ बिठाकर क्या मैं यज्ञ कर सकता हूँ? हाँ राघवेंद्र। गुरुदेव, आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। भैया, दरबार में प्रजा व्याकुलता से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु, हमारी भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ने ओछी बात कही थी, किंतु हम सब पाप के भागी बन गए। हम लोगों ने अपनी प्रिय सीता माता को खो दिया और उनके शराब का फल बरसों से भोग रहे हैं महाराज। इतने दिनों तक अकाल पीड़ित रहे, भूमि बंजर हो गई है, क्या क्या कष्ट नहीं झेले हमने। महाराज, 10 वर्षों से आप भी दुखी हैं और हम भी आपके दर्शनों को तरस गए हैं महाराज।
इन सब कष्टों का मूल कारण एक ही पापी है। कौन है वो पापी? महाराज, ये मेरा पति पचकोड़ी है, इसी ने ही परम पुनीता सीता मैया पर लालचन लगाया था, इसीलिए ईशो ने इसकी बाजा छीन ली। प्रभु, बरसों से ये अपने पाप का दंड भोग रहा है। प्रभु, बस कर पचकोड़ी, पछतावे के आंसुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। नगरवासियों, आप लोग भयभीत ना हो, आप सबके कुशल क्षेम के लिए प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। Ah.
राजमाता तुम्हारा गायन सुनना चाहती हैं। शांता जी, तुझे नहीं लगता जब मेरा राम इसी आयु का था तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था? हाँ माँ, मैं भी यही कहने वाली थी। और उस दूसरे को तो देखो। प्रणाम राजमाता। वो तो लगता है जैसे नन्नी मुन्नी सीता हो। पति व्रता सी
शीश काटे रावण के, हर्षित हुए देवता नर। देने वाले माता पिता ने न जाने कितनी तपस्या की होगी। ये बताओ, इतना सुंदर मधुर गायन तुमने किससे सीखा? हमारे गुरुदेव वाल्मीकि से, वे ही इस रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि मुनि? अच्छा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? लव कुश। लव कुश, तुम्हारी भांति सुकुमार तुम्हारे नाम भी हैं। तुम्हें देखकर मन आनंदित हो उठा। तुम जैसे प्रतिभाशाली किशोरों को वन में रहना शोभा नहीं देता। अब तुम यहीं राजमहल में रह जाओ, प्रतिदिन हमें अपना गायन सुनाया करना। नहीं प्रभु, यह संभव नहीं। हमारी माँ हमें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सच है राघव, इनकी जैसे होनार सपूतों को छोड़कर कोई भी माँ नहीं रह सकती। पुत्रो, तुम्हारी गायन से हमें बहुत आनंद मिला। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। नहीं राजमाता, हम तो मुनि कुमार हैं, स्वर्ण और रत्न लेकर क्या करेंगे? हमने हमारी रामायण के कथानायक श्री रामचंद्र के दिव्य मंगल स्वरूप को अपने नेत्रों से देख लिया, यही हमारा पुरस्कार है। और हमें संकोच मत करो, जो चाहिए मांग लो। रामायण की कल्पलता वनिता शिरोरत्न, जगत जननी हमारी माता जानकी देवी के दर्शन करवा दीजिए महाराज। आपके दर्शनों के साथ अगर उनके भी दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। पुरुषोत्तम श्रीराम चले क्यों गए? वे अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं?
बोलो सीता, बोलो, मैं उन बालकों को क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर दूं? बोलिए ना राजमाता, आप मौन क्यों हैं? क्या हम माता जानकी के दर्शन नहीं कर सकते? क्या हम पर उनके दर्शनों का प्रतिबंध है? हे जगत माता, एक बार बाहर आओ, हमें दर्शन दो। दर्शन दो सीता माता। जगत जननी, हमें दर्शन दो। जगत जननी, हमें दर्शन दो। हमें दर्शन, दर्शन दो सीता माता, सीता माता। जगत जननी, जगत जननी, हमें दर्शन, हमें दर्शन दो। वो नहीं आएगी मुनि कुमारो, वो नहीं आ सकती। किंतु क्यों? क्योंकि वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? उन्हें वनवास दिया गया है। किसने दिया उन्हें वनवास? राजा राम ने, राजा राम की विवशता ने, उनके कठोर राजधर्म ने। क्या राजा राम ने स्वयं माता जानकी को वनवास दिया? हाँ, सीता माता का इतना घोर अपमान। करुणा के सागर कहलाने वाले प्रभु श्री राम इतने कठोर? हम दिनरात जिनकी आराधना करते हैं वे इतने निष्ठुर? माता सीता के बिना श्री राम का चरित्र क्या है? माता जानकी के बिना रामायण में रस ही क्या रह जाता है? अकेले राम नाम से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? माता जानकी का त्याग करने वाले पत्थर से भी अधिक कठोर। हाँ, राम का नाम कभी नहीं लेंगे। आज के बाद हम कभी रामायण नहीं गाएंगे। अयोध्या में आना ही हमारी भूल थी, अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो भैया। सुनो सुनो मुनि कुमारो, हमारी बात तो सुनो। नहीं, नहीं, हमें अब कुछ नहीं सुनना। आ गए पुत्रा। क्या हो अलाव? होना क्या है, सुना कुछ और था, देखा कुछ और। ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने अयोध्यापुरी देखी ना? हाँ देखी, और उसके पुराधीश को भी देखा। तुम लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? हाँ कर लिए। वे कुशल पूर्वक तो है ना? उन्हें क्या कष्ट हो सकता है माँ, प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। माँ, राम का नाम लेने से तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो जाती हो? इसलिए कि वे देव स्वरूप हैं, मुझे ही नहीं, उनका नाम लेने से सबको आनंद मिलता है। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे, वे पुरुषोत्तम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आदर्श की मूर्ति हैं। किंतु उन्हें देखकर और उनसे मिलकर हमारे भ्रम का दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया माँ। ऐसे क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारा अपमान किया? नहीं माँ, किंतु यदि वे हमारा अपमान भी करते तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख ये जानकर हुआ कि उन्होंने माता जानकी का परित्याग करके उन्हें वन में भिजवा दिया। उस समय वे गर्भवती थी, राम ने ऐसा काम कैसे किया माँ? इसका कोई विशेष कारण होगा, अभी तुम बालक हो नहीं समझोगे। क्या कारण रहा होगा माँ, इतना बड़ा अन्याय करने पर भी तुम उन्हीं का पक्ष ले रही हो? सुनकर हमें इतना दुख हुआ है, माता जानकी पर क्या बीती होगी, क्या पता वे जीवित भी हैं या नहीं। राम अन्यायी है, अधर्मी है। नहीं, नहीं, ऐसा न कहो, वे बड़े महान है, महापुरुष है। महापुरुष, बड़े महान, किस बात में, देह में, कद में या आयु में? सीता माता का परित्याग करने वाले कठोर राजा राम के लिए हमारे मन में कोई मान नहीं है, अब हमारे मुख पर उस अन्याय का नाम कभी नहीं आएगा। अब हम रामायण का गायन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। राम पापी है माँ, पापी। नहीं, चुप करो, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं और तुम मेरे पुत्र नहीं। श्री राम देवता है, मेरे सर्वस्व है, उनके लिए अपमानजनक शब्द
मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। भैया, हम सब कुछ सह सकते हैं, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हाँ भैया, चल मनाते हैं। वर्णन करे क्या मैया श्री राम जी की शोभा, हो वर्णन करे क्या मैया श्री राम जी की शोभा, पृथ्वी पे धर्म पालक वैसा न कोई होगा। वर्णन करे क्या मैया श्री राम जी की शोभा, वर्णन करे क्या मैया श्री राम जी की शोभा। मुनिवर, कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति श्री राम का दूत हूँ। वे अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी शिष्य मंडली सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ करें। श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उनकी लोक पावनी भावना का हम आदर करते हैं। ईश्वर करे उनका यह यज्ञ सफल हो, हम आने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम मुनिवर। बहुत चिंतित दिखाई देती हो बेटी, क्या बात है? मुनिवर, ये बताइए, यदि धर्मपत्नी पास में नहीं हो तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है क्या? नहीं बेटी, अश्वमेध यज्ञ ही क्या, कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता।
असंभव। किसी भी ब्रह्मचारी को अथवा पत्नी विहीन गृहस्थ को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। माँ, जीवन के बड़े से बड़े आंधी तूफान और दुखों को सहकर भी मैं जीवित हूँ, किंतु प्रभु श्रीराम के दूसरे विवाह के बाद सच होने से पहले मुझे मुझे इस दुनिया से उठा ले माँ, मुझे इस दुनिया से उठा ले, मुझे उठा ले के माथे पर कुमकुम का टीका किसने लगाया? कौन है यहां? सीता, 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 मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीता, 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 राघव, राघव, क्या हुआ राघव, क्या हुआ? मां, सीता आई थी, सीता यहां आई थी मां। तुम जैसे धैर्यवान पुरुष को ऐसी भ्रांति शोभा नहीं देती भैया। राघव, अपने आप को संभालो, तुम अब केवल साधारण पुरुष नहीं, युग पुरुष हो, इस सूर्यवंशी साम्राज्य की महाराजा हो। यदि तुम ही इस प्रकार भ्रांतियों के अंधकार में भटकते रहे तो इस रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा? भ्रांतियों के अंधकार में मैं नहीं भटक रहा माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं देखिए इस प्रतिमा के माथे पर ये टीका देखिए, आप सब लोग देखिए, क्या इसे आपने लगाया? नहीं, आपने लगाया? नहीं, आप में से किसी ने नहीं लगाया। इस चंद्रकांत टीके को सीता के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है माँ? ये कैसे संभव है भैया, सीता यहाँ कैसे आ सकती है? बार बार सीता की प्रतिमा देखकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप लोग मानो या ना मानो किंतु ये सत्य है, सीता की आत्मा यहां भटक रही है, मेरे आसपास भटक रही है। सीता, सीता तुम कहां हो? कहां हो सीता? स्वामी, करो नहीं
सदा रहा है सदा रहे हो गई थी। मैं प्रायश्चित करूंगी। मुझे मेरे पाप का निवारण बता दीजिए गुरुदेव। यदि तुम एक व्रत का पालन करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और शांति भी। मैं अवश्य करूंगी। आप बताइए गुरुदेव। इसे नवरात्र व्रत कहते हैं। इसमें उपवास रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दुर्गा माता की आराधना करनी पड़ती है। उन्हें शतदल कमल के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। किंतु बेटी, यदि पूजा में कोई विघ्न पड़ा तो ये व्रत हानिकारक भी हो सकता है। मैं प्रयत्न करूंगी गुरुदेव कि मेरे व्रत में कोई विघ्न ना पड़े। किंतु शतदल कमल कौन लेगा? हम है ना माँ। शतदल कमल है क्यों? हम सहस्त्र दल कमल लेकर आएंगे। पुत्री, ऐसे वीर पुत्रों के होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? कुश, अपनी माता के व्रत के लिए पुष्प लाने का कार्य तुम्हारा है। गुरुदेव, क्या माँ की सेवा का यह कार्य भैया ही कर सकते हैं? मैं नहीं। पुत्र लव, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। क्या मैं तुम्हारी मातृभक्ति से परिचित नहीं हूँ? किंतु तुम्हारा पालन करने वाला कर्तव्य दूसरा है। मुझे आज ही भरद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान करना है।
तेरे लौटने तक इस आश्रम की सुरक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। अच्छा गुरुदेव। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। यह यज्ञ हमने प्रजा की सुख शांति और संपन्नता की कामना से किया है। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए हम यह अश्व देश देशांतर में भ्रमण के लिए मुक्त करते हैं। यदि किसी को अपने बाहुबल पर मान हो तो वह इसे पकड़े और अयोध्या की सैन्य शक्ति को अपनी वीरता का परिचय दे, अन्यथा हमारा आधिपत्य स्वीकार करे। प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभु श्री रामचंद्र की। इस अश्व की रक्षा का भार हम अपने अनुज शत्रुघ्न को सौंपते हैं। कुमार शत्रुघ्न की प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु श्री रामचंद्र की। कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र का है। इसे पकड़ने वाले को अपनी वीरता का परिचय देना होगा। जो इसे मान देगा उसे दरबार में सम्मान मिलेगा। देखो श्री राम जी के यज्ञाश्व से मैं कैसे नृत्य कराता हूँ। श्रीमान अश्व जी पांव उठाइए। प्रणाम कीजिए। और एक बार कीजिए। फिर एक बार कीजिए। कौन है यहाँ? किसने हमारे यज्ञाश्व को पकड़ा है? कौन है वो कायर? सामने क्यों नहीं आता? यज्ञाश्व जी,
आप मेरे साथियों का मनोरंजन कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कायर सेवा में प्रस्तुत है। तुमने ही हमारे यज्ञाश्व को पकड़ा है। जी हाँ। ये तुम्हारा अज्ञान है मुनि कुमार, संभव था तुम इसका परिणाम नहीं जानते। ये हमारा अज्ञान नहीं, आपका अभिमान है, क्योंकि परिणाम की चिंता वीर नहीं कायर किया करते हैं। मुनि कुमार, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं, और बातें बनाने से कोई वीर नहीं हो जाता। हमारे दूध के दांत तो गिरकर फिर से आ जाएंगे, किंतु यदि आपके दांत गिर गए तो फिर नहीं आएंगे। लगता है तुमने अश्व के माथे पर लगे स्वर्ण पत्र को नहीं पढ़ा, या फिर तुम सूर्य वंश के प्रताप को नहीं जानते। मैंने स्वर्ण पत्र के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा है, और मैं सूर्य वंश के प्रताप को भी भली प्रकार जानता हूँ। फिर तुमने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे किया? महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने अपने बाल्यकाल में वीरता के बड़े बड़े कार्य किए थे, हम नहीं कर सकते क्या? मुनि कुमार, ये अश्व उन्हीं के यज्ञ का है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ऐसे वीरों के साथ युद्ध करने पर ही हमारी वीरता पहचानी जाएगी। छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती मुनि कुमार। तो क्या बड़े मुंह छोटी बात शोभा देती है? बहुत हो गया, ये बताओ तुम यज्ञाश्व को छोड़ते हो या नहीं? आप स्वयं ही छुड़ा लीजिए। अब तुम पर दया दिखाना व्यर्थ है। बालक तो बहुत बड़ा वीर लगता है, क्षत्रियों का साहस है इसमें। विवशता के कारण इसे मूर्छित करना पड़ा है। जाओ यज्ञाश्व को लेकर आओ। लव भैया ने उससे युद्ध किया। युद्ध? वो महाराजा लव भैया को मूर्छित करके ले गया। मैं इस वन में अपने पुत्रों के लिए ही जीवित हूँ, वे भी मुझसे बिछड़ जाएंगे तो मेरे जीवन में क्या रह जाएगा? मेरे लव की रक्षा करो माँ। क्या हुआ माँ, लव भैया को क्या हुआ? कोई महाराजा तुम्हारे छोटे भाई को युद्ध में हरा कर अपने रथ में ले जा रहा है। बस इतनी सी बात पर तुम्हारी आंखों में आंसू भरा है? क्या तुम्हें अपने पुत्र की वीरता पर विश्वास नहीं रहा? डरो नहीं माँ, राजा हो या महाराजा मुझसे बचकर नहीं जा सकता। आओ मित्रों। कहाँ गए, किधर है वो?
लोग। वो देखो जल्दी करो, नहीं तो वो दूर चले जाएंगे। नहीं, वो हमसे दूर नहीं जा सकते, उन्हें उल्टे पांव लौटना होगा। किशोर को बंदी बनाकर ले जा रहे हो? बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हो, कौन हो तुम? मेरा परिचय मैं नहीं, मेरे बाण दिया करते हैं। ये बालक भी तुम्हारी तरह ही छोटे मुंह बड़ी बातें कर रहा था। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे और उसके पकड़े हुए अश्व को छुड़ाने आया हूँ। यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारे छोटे भाई को छोड़ सकते हैं, किंतु यज्ञाश्व को तो हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। फिर आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। अपने भाई का दुर्भाग्य देखकर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो? जाओ, लौट जाओ। समरांगण में वीर वीरता दिखाया करते हैं, पीठ नहीं। मैं अंतिम बार पूछ रहा हूँ, आप अश्व को लौटाएंगे या नहीं? कदापि नहीं। तो फिर आपको नीचे आना होगा, हाँ, मेरे बाणों का उत्तर देने के लिए। ठीक है। वचन कर्म से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है तो मेरा पुत्र विजयी हो। भैया तुम आ गए? हाँ।
वो दुष्ट कहाँ है? मूर्छित है। और यज्ञाश्व वो रहा। चलो चल माँ के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं माँ के पास नहीं। क्यों? क्योंकि ये यज्ञाश्व महाराजा श्री रामचंद्र का है। माँ श्री रामचंद्र की बहुत भक्ति करती है ना, इसलिए श्री रामचंद्र को ही आने दो। उन्हें बंदी बनाकर माँ को भेंट करेंगे। अच्छा भगवान, अनुज शत्रुघ्न मुनि बालकों से पराजित हो गए। क्या अनुज शत्रुघ्न पराजित हो गए? सारथी क्या तुम सत्य कह रहे हो? कहीं तुम्हारी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई? नहीं प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूँ। यह अकेले शत्रुघ्न की नहीं, संपूर्ण रघुवंश की पराजय है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं भरत, लक्ष्मण तुम जाओ पर्याप्त आत्मशक्ति के साथ। जो आज्ञा भैया। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि रघुवंश से टकराने का क्या परिणाम होता है। देखो एक और योद्धा रथ पर सवार होकर इधर ही आ रहे। घबराओ मत, उसे भी देख लेंगे। मूर्ख बालको। अरे ओ राजपुरुष, मुंह संभाल कर बोलो। हम मूर्ख बालक नहीं मुनि बालक हैं। लगता है भैया इनकी आंखों में कोई दोष है। हाँ भैया, सुना है मृत्यु से पूर्व मनुष्य की आंखें रंग बदलने लगती हैं। देखने में तो तुम सुकुमार हो परंतु बातें बहुत विचित्र करते हो। कौन हो तुम? हम गुरुदेव वाल्मीकि के शिष्य हैं। इतने महान महर्षि के शिष्य होकर ऐसी उद्दंडता करना उचित नहीं है। हमारी आज्ञा है कि हमारा अश्व छोड़ दो। महानुभाव, अश्व आपका नहीं अयोध्याधीश राजा श्री राम के यज्ञ का है। इसलिए हम अश्वाधीश और अयोध्याधीश श्री राम से युद्ध करना चाहते हैं, किसी और से नहीं। रामायण के रचनाकार महामुनि वाल्मीकि के शिष्य होकर भी क्या तुम श्री रामचंद्र के प्रताप को नहीं जानते? अपने गुरुदेव की कृपा से हम श्री रामचंद्र को भली प्रकार जानते हैं, किंतु ये नहीं जानते कि वे हमसे अधिक प्रतापी हैं या हम उनसे। और इसीलिए हम दोनों भाई उनके प्रताप को परखना चाहते हैं। बालको तुम क्या जानो कि श्री राम ने कैसे कैसे महान कार्य किए हैं? उन्होंने महाबली बाली का संहार किया था। हाँ किया था, किंतु कायरों की तरह छिपकर। क्या इसे ही हम उनकी वीरता मान ले? उन्हीं करुणा मूर्ति श्री राम ने दशकंठ रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया था। वे करुणा की नहीं कठोरता की मूर्ति है। उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी सीता माता को वनवास देकर क्या अपनी करुणा का प्रदर्शन किया था? बालको यदि तुम अपने लड़कपन में हमारे भ्राता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इस प्रकार अपमान करोगे तो उनका भाई लक्ष्मण तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। अच्छा तो आप ही है लक्ष्मण जिन्होंने गर्भवती माता सीता को अकेले वन में छोड़ दिया था। अब तो हम आपको कदापि नहीं छोड़ सकते। हम इसी अवसर की ताक में थे। आपके कर्मों का फल आपको इसी वन में चखाएंगे। अब आप यहाँ से जीवित लौट कर नहीं जा सकते। सीता माता को आपने इस वन में ही छोड़ा था ना? हम भी इस वन में आपका अंत देखेंगे। बस बालको बहुत हो चुका। हमसे युद्ध करने की अपनी मुंह चोरी का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ।
नन्हे मुनि कुमारों ने लक्ष्मण जैसे योद्धा को भी पराजित कर दिया। हाँ माता, सुना है कि पुष्पों से भी कोमल लगने वाले दोनों मुनि कुमार महान पराक्रमी हैं। तो क्या रघुवंश का तेज? नहीं माता, आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी हो जाए रघुवंश के तेज का अंत नहीं हो सकता। गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। देखो भैया, श्री रामचंद्र आ गए। अच्छा हुआ, उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनि कुमारों, उस दिन अयोध्या में राम कथा का गायन करते हुए तुम ही आए थे ना? केवल राम कथा नहीं, सीता राम की कथा कहिए। हाँ हाँ, जानते हो, उसी दिन से तुम दोनों हमारी आंखों में चित्रित हो गए। जाने क्यों, तुम्हें देखकर मन में एक अपनापन सा उमड़ आता है, जैसे कोई लगाव हो। किंतु पहले आप ये बताइए कि आज अचानक राजमहल छोड़कर इस वन में कैसे पधारे? अच्छा स्मरण करवाया, तुम्हें देखकर तो हम भूल ही गए थे। क्या तुम जानते हो यहाँ किन मुनि कुमारों ने हमारे अश्व को पकड़ रखा है? आप उनसे अश्व छुड़ाकर ले जाना चाहते हैं? वो यज्ञाश्व है, छुड़ाना तो पड़ेगा ही। वे मुनि कुमार अजय हैं। वे जय हैं या अजय, इसका निर्णय तो समय आने पर ही होगा। तो फिर देखिए, वो रहा आपका अश्व, ले जा सकते हैं तो ले जाइए। किंतु वे मुनि कुमार कहाँ हैं? यही है आपके सामने। तुम? हाँ, किंतु आप चकित क्यों हो गए? इसलिए कि जिनका तुम गुणगान करते हो उन्हीं के यज्ञाश्व को अपने अधीन करने की दृष्टता भी करते हो। हाँ, स्वयं आपने ही तो अश्व के माथे पर लिखवाया है कि ये अश्व कौशल्या नंदन श्री राम का है। इसे पकड़ने वाले को श्री राम के साथ युद्ध करना होगा। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। यदि आप वीर हैं तो हम महावीर हैं। आपने ही नहीं, हमने भी वीर माता का दूध पिया है। तुम जैसे वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माता का शुभ नाम, उससे आपका क्या काम? आप यहाँ नाम गांव पूछने आए हैं या युद्ध करने? हम व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहते। यदि आप अश्व चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। मुनि कुमारों, तुम बार बार मेरी वीरता को ललकार रहे हो, किंतु जाने क्यों मेरा मन तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों, आपकी वीरता का अभिमान कपूर की तरह जल गया? नहीं बेटो, ऐसी बात मत करो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। क्या आप हमारे पिता हैं जो हमें बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं? राजा के लिए सारी प्रजा ही बेटों जैसी होती है पुत्रों। फिर पुत्र कहा? आपकी प्रजा अयोध्या में रहती है, इस तपोवन में नहीं। हम स्वेच्छा से वन में विचरने वाले जीव हैं। अपनी अज्ञानी और झूठी प्रजा से हमारी तुलना मत कीजिए। मेरी प्रजा के लिए ऐसे शब्द? जैसा राजा वैसी प्रजा। जिसको अग्निदेव ने पवित्र माना हो, ऐसी सीता माता की निंदा करने वालों को और क्या कहा जाए? और ऐसी निंदनीय प्रजा की बात मानने वाले ऐसे राजा को हम क्या माने? यदि आपको प्रजा की बात माननी ही थी तो उस देवी को, उस गर्भवती माता सीता को वन में छोड़ने का आपको क्या अधिकार था? छोड़ना ही था तो उन्हें उनके पिता के यहाँ क्यों नहीं भिजवा दिया? उफ, तुम बार बार अपनी बातों से मेरे हृदय को भेद रहे मुनि कुमारों। किंतु जाने क्यों मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। बोलो, न्याय और धर्म की बातें करने वाले तुम कोई देव कुमार हो या मुझसे युद्ध करने को उत्सुक कोई ब्रह्मरुद्र? क्यों, हमारी बातों से ही भयभीत हो उठे? हम केवल वनवासी मुनि कुमार है राजन, कोई और नहीं। ऐसी बात है तो सुनो, हम नारी बालक वृद्ध और ब्राह्मण पर वार नहीं करते, इसीलिए सोच में पड़ गए। ओ सूर्यवंशी योद्धा, आप इतने आदर्शवादी हैं तो ताटका को क्यों मारा? वो नारी नहीं थी। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अश्व को छोड़ दो और हमारे सामने से चले जाओ। नहीं, हम ना अश्व छोड़ेंगे ना आपको। कहिए, आप हमसे युद्ध करेंगे या हमारी शरण में आना चाहेंगे? बालको, तुमने मेरी सहन शक्ति की सीमा समाप्त कर दी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम बहुत पहले से तैयार हैं। Oh, my God.
के साक्षात अवतार प्रभु श्री राम को असमर्थ कह रहे हो? बिना कारण क्यों नष्ट होना चाहते हो? इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांग लो। ये करुणा के सागर हैं, अवश्य क्षमा कर देंगे। और यदि लड़ना ही चाहते हो तो मुझसे लड़कर देखो। राम जैसे विश्व विजेता से लड़कर विजय मिले या पराजय, दोनों ही अवस्था में हमें कीर्ति मिलेगी। तुम जैसे वानर से लड़कर क्या मिलेगा? क्या कहा? जानते नहीं कि हमने सोने की लंका में आग लगा दी थी? सोने की लंका को सीता माता के आंसुओं ने भस्मीभूत किया था, तुम्हारी उछल कूद ने नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुम हमारी शक्ति देखना चाहते हो? देखो। घबराओ मत, इस विराट रूपधारी वानर को छकाने का एक ही मंत्र है, ये राम नाम के लट्टू हैं। यदि तुम सब मिलकर राम नाम का पाठ करने लगो तो फिर देखो ये कैसे लोटपोट होकर भिंगी बिल्ली बन जाते हैं। बिल्ली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम ह्रीं जगन्माता सीता देवी माते, आप यहाँ हैं? हाय दैया, क्या ये सीता देवी हैं? इसका अर्थ ये हुआ लवकुश सीता देवी के पुत्र हैं? हाँ, वे जगन्माता के पुत्र हैं, प्रभु श्री राम उनके पिता हैं, इसीलिए तो वज्रम वज्रे न भेजते, दोनों भाई प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। पवन पुत्र, तुम? हाँ माता। लवकुश मेरे प्रभु से युद्ध कर रहे हैं? हाँ माते, उन्होंने शत्रुघ्न और भैया लक्ष्मण को पराजित कर दिया है और अब प्रभु श्री राम से युद्ध कर रहे हैं। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। माता, दुर्गा देवी की पूजा में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, आपके लिए हानिकारक होगा। माता समझा, मुझे मत रोको, इससे बड़ी हानि वहां हो जाएगी। हे दुर्गा माँ, मुझे क्षमा करना। चलो पवन पुत्र। बहुत हुआ, अब इन मुनि कुमारों की ढिठाई सही नहीं जाती। रावण और कुंभकर्ण जैसे बलधारियों को धराशायी करने वाला राम बाण चलाना ही होगा। रुक जाओ। सीता, ये क्या अनर्थ कर डाला? प्रभु श्री रामचंद्र के साथ ये क्या किया है तुम लोगों ने? माँ,
हमने कुछ नहीं किया, पहले उन्होंने हम पर आक्रमण किया। हमने तो अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाया माँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध माँ। माँ सीते, तुम्हारे पुत्र निर्दोष हैं। श्री राम तो तुम्हें देखकर निश्चेष्ट हो गए हैं, वे अर्धमूर्छित हैं, चिंता ना करो। सिद्ध कर दिखाया कि पुत्र को पिता से बढ़कर होना चाहिए। तुम जैसे चिरंजीवों को पाकर आज मेरा रघुवंश धन्य हो गया, धन्य हो गया। पुत्री, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आज मेरा कर्तव्य भी पूरा हो गया। नहीं माता, नहीं, अभी आपका कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। अभी तो आपको अयोध्या चलना है, सिंहासन पर विराजमान होना है, हम सबका पालन करना है। नहीं लक्ष्मण, नहीं, ईश्वर के लिए मुझे अयोध्या चलने के लिए मत कहो। इस धरती पर ऐसी एक भी नारी नहीं है जिसने मेरी तरह दुखों के पहाड़ अपने सर पर ढोए हो, कदम कदम पर परीक्षा दी हो। भगवान करे किसी के जीवन में ऐसा अवसर नहीं आए। मुझे अपने माता के पास जाने दो, अपने माता के पास जाने दो। ओ धरती माँ, ओ धरती माँ, तुझे पुकारी तेरी बेटी, आ जा।
सीता, शांत हो जाओ श्रीराम। तुम तो स्वयं नारायण हो, तुम्हारा इस प्रकार व्याकुल होना उचित नहीं है। आओ पुत्रो, आओ।